क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, आपको सिर्फ एक पॉइंट फाइंड करना है, क्या है वो पॉइंट वाई। क्वेश्चन नंबर मैं रीड करता हूँ आपके लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 3, -1 एंड द पॉइंट बी 11, y इज 10 मिनट्स। मतलब दो पॉइंट दिया हुआ ए और बी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ 10। आपको क्या करना है, इन दोनों को पॉइंट्स को प्लॉट करके इस y का वैल्यू निकालना है कि y कितना होगा जब डिस्टेंस 10 होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग को जो पढ़ा है हम लोगों ने, x1 यहां पर लिखूंगा मैं 3, y1 का वैल्यू लिखूंगा मैं -1, x2 का वैल्यू लिखूंगा मैं 11, y2 का वैल्यू लिखूंगा मैं y। जो फॉर्म में दिया गया है उसी फॉर्म में आपको लेना है। तो ये हो गया जो आपको दिया गया था। अब मेरा जो काम है क्या, हम लोगों ने पढ़ा है क्या, एज वी नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि AB इक्वल टू रूट अंडर फॉर्मूला क्या है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। AB क्या फॉर्मूला है, A से B का भी जो डिस्टेंस है तो फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग किस तरह से करना है, x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, माइनस x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11 होल स्क्वायर, प्लस y1 का वैल्यू देख सकते हैं आप -1, और y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है y - y का होल स्क्वायर। ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये तो दोनों पॉइंट्स का फॉर्मूला मैंने बैठाया, ये फॉर्मूला था, पॉइंट्स का वैल्यू मैंने बैठा दिया। अब ये जो ए बी है, ये ए बी एक्चुअली में क्या है, डिस्टेंस है ए से बी का, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10। आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पॉइंट्स का जो बीच का डिस्टेंस है वो दिया हुआ 10, आपको सिर्फ वाई, यहाँ से वाई निकालना है। ओके, तो ये 10 आ गया। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो आपका RHS साइड में दिया हुआ रूट में है, उस रूट को यहाँ से हटाना होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और एक स्टेप पहले मैं कर लेता हूँ, उसके बाद वो स्टेप मैं लूंगा। तो 3 - 11 क्या होता है, -8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, y+1 का होल स्क्वायर। कैसे, तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा और क्या है इसका स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा। आपको समझ में आ रही बात, किस तरह दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y+1 का होल स्क्वायर। ओके, ये स्टेप समझ में आ गया आपको। अभी देखिए यहाँ पे रूट है, रूट को इधर से स्क्वायर या स्क्वायरिंग बोथ सेट कर लेते हम लोग, आपको ज्यादा समझ में अच्छे से आएगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो 10 है इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और ये रूट क्या हो जाएगा यहाँ से हट जाएगा, तो -8 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए -y+1 का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या y+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 है इक्वल टू -8 का होल स्क्वायर 64 प्लस, अब इसको हम लोग ब्रेक करना पड़ेगा a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b² ये आ गया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये यहाँ पे 64 और ये 1 कितना हो रहा है 65 प्लस y² + 2y। अब क्या करना है मुझे, इस 100 को मैं उस तरफ लेकर आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा y² + 2y, और ये 100 इधर आ गया तो -35 = 0, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब देख सकते हैं क्या किया मैंने, पहले तो मैं फिर से समझाता हूँ आपको, ए बी का जो डिस्टेंस है वो 10 दिया हुआ था, x1 x2 y1 y2 का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो 3 - 11 क्या होगा -8 का होल स्क्वायर प्लस, यानी दोनों में से माइनस था -1 - y, तो माइनस जो माइनस है वो कॉमन निकाल लिया तो बचा y+1 का होल स्क्वायर और -12 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या है, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और रूट का स्क्वायर करते हैं। देखिए मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, अगर कोई नंबर है रूट ए, इसका स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर ए आ जाता है। ओके, कोई नंबर रूट में है, इसका स्क्वायर करने पे वो नंबर वापस आ जाता है, तो रूट यहाँ पे एक्चुअली क्या, रूट हट जाता है स्क्वायर करने पे,
तो माइनस एट को मैंने यहाँ लिखा माइनस एट का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस वाई का, और एक चीज माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहाँ हमको इस तरह से इसको लिख सकते थे। अब यहाँ पे देखिए 100 है, ये 68 का स्क्वायर 64 हो गया। अब इसको मैंने ब्रेक किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको। यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद 64 और ये 1 ऐड हो गया 65। 100 को मैंने उस तरफ लेके आया तो 65 माइनस 100 आएगा माइनस 35, और ये इधर कुछ बचा नहीं, इसे इक्वल टू जीरो है। अब मुझे क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व करना है यहाँ पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ 35 इंटू वाई स्क्वायर के सामने कुछ नहीं मतलब 1, तो 35 इंटू 1 35 मतलब मल्टीप्लाई करके क्या लाना है मुझे 35, और माइनस करके क्या लाना है प्लस, माइनस करके लाना है 2, माइनस करके क्या लाना है 2, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे 7 और 5 को मैंने माइनस किया 2 आया, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप 35 आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रही बात मैं जो बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन लेता हूँ, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है y, तो y प्लस 7 बचेगा, और इसमें माइनस 5 कॉमन लेने पे y प्लस 7 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ क्या, देखिए यहाँ पे थर्ड कॉलम में आपको समझा पा रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे y प्लस 7 है और यहाँ पे y प्लस 7 है, तो y प्लस 7 का एक कॉलम बनेगा, और यहाँ पे y है और यहाँ पे माइनस 5 है, तो y माइनस 5 का एक ग्रुप बन जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ y के दो वैल्यू आएगा 5 और माइनस 7। अब हम लोगों ने ये देखा है, ये एक्चुअली में y जो है वो क्या है, y का दो वैल्यू आ रहा है 5 और माइनस 7। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बात कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेन ये बेसिक कॉन्सेप्ट था समझाने का। अब देखिए पॉइंट क्या है कि y का जो दो वैल्यू आ रहा है 5 और माइनस 7, इसमें देखिए मैं पॉइंट क्या क्लियर करता हूँ आपको कि यहाँ पे दो वैल्यू आ गया, यहाँ पे y का वैल्यू आया 5 और y का वैल्यू आया माइनस 7, तो इन दोनों ही पॉइंट से जो डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या होगा 10 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था मेन, जब डिस्टेंस दिए रहेंगे तब, तो ये मेन बेसिक देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना आपको फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लग गया, तो जब भी क्वेश्चन में आपको वाई दिया रहेगा एक्स दिया रहेगा तो उस तरह से तो क्वेश्चन को आपको डील करना पड़ेगा एकदम बेसिक से, पहले जितने पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं आपको, फिर एज यू नो दैट जो फॉर्मूला है वो लेना है, उसके बाद सेटअप कर दिया जाना, ये पार्ट वन था, ये पार्ट टू था और ये पार्ट थ्री था, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सो ये क्वेश्चन बेस्ड था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला पे। ओके मैंने आपको ओरिजिनल वाला कॉन्सेप्ट समझाया, पॉइंट्स वहां पे क्या लेने हैं 0.0, और अगर डिस्टेंस दिए रहे हैं इस क्वेश्चन में, डिस्टेंस दिए गए थे तो डिस्टेंस दिए रहेंगे तो इस तरह से बनाना है आपको। सो ये डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम द ओरिजिन और ये डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम द टू पॉइंट्स, तो ये था कॉन्सेप्ट। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है इस टॉपिक को समझाने के लिए तो आप पहले चीज को आप कॉपी कर लीजिए और ट्राई करिए घर में बनाने का। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मैथ की वीडियोस मैं आपको अपलोड करता रहूं और आप तक पहुंचे। सो थैंक यू फॉर